संसद में चिल्लाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की बोलती की भाजपा ने बंद, हैदराबाद मच गया सन्नाटा। चिल्लाने वाले ओवैसी की भाजपा ने खड़ी कर दी खटिया, खेल दिया साउथ इंडिया में हिडन गेम। भाजपा उतारेगी ओवैसी के जवाब में अपना ये प्रत्याशी, उड़ गई ओवैसी की नींद और चैन। अमित शाह ने बनाया अभेद किले को तोड़ने का नया प्लान, ओवैसी को जल्द ही मिल जाएगा भाजपा से नया ज्ञान। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड कब बदल जाए ये कह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट की। जहां कभी राहुल गांधी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने कब अपना हिडन गेम खेला और स्मृति ईरानी को उतार कर ये सीट अपने कब्जे में कर ली, इस हैरत को सभी जान और मान चुके हैं। ठीक इसी तरह का कुछ समीकरण अब भाजपा साउथ इंडिया में भी लगाने जा रही है। आखिर वो बदलते समीकरण क्या है और उस समीकरण से साउथ इंडिया में भाजपा अपना कौन सा ट्रंप कार्ड खेलने जा रही है? Live24@9 की इस रिपोर्ट के जरिए आज आप बीजेपी के उस एजेंडे को भी जान लीजिए जो साउथ इंडिया में खास तौर पर हैदराबाद में गठजोड़ की नई राजनीति को बयां करेगा। दरअसल इस राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का एक पड़ाव कुछ महीने पहले ही हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव को भी माना जा सकता है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी वेंकट रमन रेड्डी ने BRS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर सहित कांग्रेस के CM चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को परास्त कर दिया था। ये बात दीगर है कि दूसरी सीट पर जीते रेवंत फिर मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में राजग को 400 सीट पार करने का लक्ष्य अगर भाजपा ने तय किया है तो उसे पाने के लिए विपक्ष के मजबूत किलों पर भी नजरें जमा दी हैं भाजपा ने। अलग अलग राज्यों के लिए पार्टी माइक्रो प्लान पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत तेलंगाना की हैदराबाद संसदीय सीट भी शामिल है, जहां भाजपा अमेठी जैसा बड़ा फेरबदल करने की फिराक में है। माना जा रहा है कि पार्टी यहां के कद्दावर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध किसी तेज तर्रार महिला प्रत्याशी को भी उतार सकती है। उत्तर भारत में अपनी जमीन काफी मजबूत कर चुकी भाजपा दक्षिण भारत में भी विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है। कर्नाटक में भगवा खेमे का मजबूत जनाधार पहले से ही है और इसी तरह तेलंगाना के लिए भी पसीना बहाया जा रहा है। इस राज्य में भाजपा का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। भले ही यहाँ कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ले ली हो, लेकिन रनर अप के रूप में भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। शायद विधानसभा चुनाव में मिले इन्हीं परिणामों से उत्साहित भाजपा के रणनीतिकारों को भरोसा है कि लंबे समय से ओवैसी के लिए अभेद दुर्ग बन चुकी हैदराबाद संसदीय सीट पर भी भगवा परचम फहराया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण और बड़े लाभार्थी वोट बैंक का आधार तो है ही, साथ साथ ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है जो स्थानीय मतदाताओं को आकर्षित कर सके। चर्चा ये भी है कि हर राज्य में महिला मतदाताओं में गहरी पैठ बना चुकी भाजपा इस सीट से अब महिला प्रत्याशी पर अपना दांव लगा सकती है। तमाम समीकरणों के आधार पर तेलंगाना भाजपा महिला मोर्चा की प्रवक्ता नादिम पल्ली यमुना पाठक भी अपने मजबूत दावेदारी ठोक रही है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा गठबंधन नई राजनीति को नया मोड़ दे सकती है, जिसके तहत भाजपा का साम्राज्य पूरे अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और इस विजय रथ को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को सेट करने के लिए भाजपा ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी को तोड़कर NDA में शामिल करने की पूरी कवायद छेड़ रखी है। उधर बीजेपी समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को अपने साथ पहले ही ले चुकी है और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर NDA का घटक दल बनकर काम कर रहे हैं। पंजाब में अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है तो पूरे भारत में गठबंधन की नई नई रणनीति के साथ चाणक्य अमित शाह बीजेपी के पक्ष में हर मुमकिन खेल खेलने को तैयार है। और अगर उत्तर भारत में बन चुकी पकड़ के बाद दक्षिण भारत की हैदराबाद सीट पर भी भाजपा किसी मजबूत कैंडिडेट को उतार कर ओवैसी के अभेद किले को तोड़ पाने में कामयाब होती है तो भाजपा का राज पूरे अखंड भारत पर हो जाएगा। भाजपा की इन्हीं रणनीतियों से पूरा विपक्ष हैरान और परेशान सा दिख रहा है और अब ये परेशानी ओवैसी के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है। Live24@9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।